गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट बिजनेस स्टडी क्लास। सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट स्टाफिंग। सो प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट क्या पढ़े, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। उसमें फर्स्ट क्या था, प्लानिंग, है ना, कोई भी चीज का प्लान बनाना। फिर सेकंड हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग, है ना, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे कोई भी काम करने के लिए, कैसे कैसे व्यवस्था, किसको कौन सा काम सौंपेंगे। फिर हमने पढ़ा स्टाफिंग, हम स्टाफ कैसा रखेंगे। फिर डायरेक्टिंग, इट इज़ फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो डायरेक्टिंग होता क्या है, पहले हम डायरेक्टिंग वर्ड को समझेंगे। तो देखिए, डायरेक्टिंग किससे, एक डायरेक्शन देना, है ना, कोई भी चीज़ के लिए डायरेक्शन देना। यदि व्यक्ति को डायरेक्शन नहीं मिला तो वो अपने पाथ से भटक जाएगा, यहाँ वहाँ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं भी जाते हो, बॉम्बे जा रहे, पूना जा रहे, कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आपको देखना यदि आप किससे जा रहे हैं, अपनी कार से जा रहे हैं। अब ड्राइव करते जा रहे हैं तो हर जगह देखना आपको बोर्ड दिखेंगे, उस पर लिखा रहता है बाएं तरफ जाइए, इस डायरेक्शन में जाइए, इस डायरेक्शन में जाइए, इस डायरेक्शन में जाइए, है ना। तो उसी के सहारे आप बॉम्बे तक पहुंच जाते हैं, यानी आप अपना अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, है ना। डायरेक्शन के लिए भी एक हमको व्यक्ति चाहिए, किसको, डायरेक्ट करने वाला। तो इसमें हमको किसका काम करते हैं, ये व्यक्ति है एक प्रकार से, किसका, बोर्ड पे जो लिखा रहता है उसी के माध्यम से आप, हम क्या होते जाते हैं, वो निर्देशित होते जाते हैं और उसी के वही पाथ पकड़ के हम चलते जाते। यही वो, अगर वो डायरेक्शन नहीं बने हों तो क्या होगा, फिर हम अपने पाथ से भटक जाएंगे और हम बॉम्बे तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति कोई भी हुआ, डायरेक्टर जो होता है या उससे नीचे व्यक्ति, मैनेजर या उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें डायरेक्टर डायरेक्शन देते हैं और क्या बोलते हैं कि लीड करो, मैं चल रहा हूँ आपके साथ, मैं हूँ, है ना, और मैं आपको लीड करूँगा, चलिए मेरे साथ साथ चलिए। तो वो क्या करता है, हमको डायरेक्शन देता है, किसको, एम्प्लॉय को, स्टाफ को। तभी क्या करता है, हमारा जो स्टाफ है, एम्प्लॉय है और क्या है, वर्कर हैं, वो सब कार्य करते हैं। हर के बीच में एक डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति होता है और उसी के अकॉर्डिंग हम काम को करते जाते हैं। तो क्या बोला गया है, डायरेक्टिंग इज सेड टू बी द हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और प्रोसेस प्लानिंग, ऑर्गेनाइज स्टाफिंग हैव गॉट नो इम्पॉर्टेंट इफ डायरेक्शन फंक्शन डज नॉट टेक प्लेस। अगर हम, हमारे लिए सब व्यर्थ है, हमने प्लानिंग भी कर ली, ऑर्गेनाइज भी कर लिया काम को, है ना, और फिर स्टाफ भी रख लिया, जब तक कोई व्यक्ति उस पाथ को, उस प्लेस पे, जब तक कोई फंक्शन ना करे, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होगा, तो हमारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग सभी व्यर्थ है, ठीक है। जब तक कोई व्यक्ति हमको डायरेक्शन नहीं देगा कि क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितने टाइम तक करना, तो हम कैसे काम को करेंगे, नहीं कर पाएगा कोई भी व्यक्ति काम को, नहीं कर पाएगा जब तक हमको कोई गाइड करने वाला ना हो, डायरेक्शन वाला ना हो, निर्देशित करने वाला ना हो, जब तक व्यक्ति काम को कर। और निर्देशन में भी फिर क्या होता है कि कोई, देखो इसमें भी लिखा है, डायरेक्टिंग एज द फंक्शन एज कमांड, सॉरी फंक्शन ऑफ कमांड,
है ना। डायरेक्टिंग क्या है? कमांड देना एक प्रकार से कि ये काम को करो, अब इसको करना है, अब इसको करना है। आपको स्कूल में टीचर भी डायरेक्शन देती जाती ना कि ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। हर व्यक्ति को डायरेक्शन घर में देखना, आप बचपन से डायरेक्शन ले लेके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। पहले घर में कौन देता था डायरेक्शन हर चीज़ के लिए? हमारी माँ देती थी, पापा देते थे, फिर स्कूल में गए तो टीचर देते हैं, फिर कॉलेज में गए तो वहाँ टीचर देते हैं आगे, और फिर धीरे धीरे व्यक्ति खुद एक्सपीरियंस से सीखता जाता है, फिर धीरे धीरे दूसरों को डायरेक्शन देने लगता है ना। तो डायरेक्शन में मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि डायरेक्टर एज द फंक्शन, डायरेक्टिंग एज द फंक्शन ऑफ कमांड, यानी क्या काम है इसका कि यानी कमांड देना, एक वो कमांड देने का काम करता है। अब इसके भी अब फंक्शन कौन के क्या क्या इंक्लूड है उसमें, डायरेक्टिंग भी, तो हम क्या करेंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप इतना रिवाइज करिएगा, टेक केयर।